जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों आपको बता दूं, आज का जो वीडियो है स्पेशली आपके कुछ क्वेश्चन हैं उनका आंसर देने के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एसएससी जीडी या किसी भी अगर आप फोर्स की तैयारी कर रहे हो आर्मी, तो उनसे संबंधित बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उधर अगर पर्सनली बात करना चाहते हो तो मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ लोग बार बार मेरे को यही बोल रहे हैं कि सर बहुत दिन हो गए हम वेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो कमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब अपने परेशानियां बता रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपकी, आप एसएससी जीडी का भी इंतज़ार कर रहे हो, आप ये मान के चलिए आपके जीवन की सबसे छोटी प्रॉब्लम है, ये मान के चलिए। क्योंकि जब सर्विस लग जाओगे उसके बाद में प्रॉब्लम में शुरू होगी, अभी नहीं। मानता हूँ मैं आपकी थोड़ी सी गरीबी है या पैसे नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति रही है देश में, लेकिन हाँ जब लग जाओगे ना उसके बाद में बहुत सारी ऐसी परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी जिस जॉब में आप जा रहे हो उसमें। तो आप अगर इतना कमज़ोर बन रहे हो तो शायद आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर दिसंबर में सरप्राइज़ देगी एसएससी, फाइनल रिजल्ट स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या दिसंबर में रिजल्ट आएगा या आएगा। तो ये एक पॉजिटिविटी दिखाता है, जो इंसान पॉजिटिव होता है ना वो दुखी नहीं होता, और जो दुखी नहीं होता वो फौज की नौकरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। जो दुखी आत्माएं होती है ना उनके लिए फौज की नौकरी नहीं बनी दोस्तों, वो यहाँ पे भी रोएंगे वहाँ पे भी रोएंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी कठिनाइयाँ अभी है? नहीं, ये शुरुआत है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नथिंग। आप मान के चलिए बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ 0 and 1% भी नहीं है ये आपके जीवन की कठिनाई होगा सामना करने के लिए, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है। मेरे को दुख इस बात का है क्योंकि कुछ लोग रह जाएंगे, कुछ लोग लग जाएंगे, तो उनके मन में जो मतलब चल रहा है थोड़ा सा उस बात को मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि ये तुम्हारे जो दिन है हमने भी देखे, लेकिन कभी नहीं सोचा है, कसम से बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा रिजल्ट कब आएगा। जब भी आएगा पेपर दे दिया, उसके बाद में जब भी रिजल्ट आएगा चले जाएंगे, नंबर आएगा तो, नहीं तो हम हमारा काम कर रहे थे, कोचिंग में पढ़ा रहे थे, बस सोचा ही नहीं क्योंकि हम हमारा काम कर रहे थे। अब आप लोग क्या है कि बस इसके बारे में कुछ लोग बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं कि सर दिसंबर में आएगा आएगा रिजल्ट, भले आए या नहीं आए, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी थिंकिंग है ना वो उनको उदास नहीं होने देती, और इंसान को ऐसा ही बनना चाहिए। अब अगर आप रोक के इंतज़ार करोगे तो भी इंतज़ार तो करना पड़ेगा, और चाहे हंस के करोगे तो भी इंतज़ार करना पड़ेगा, तो क्यों ना हंस के करो। आपको पता है कि जिस दिन जॉब लग जाओ उस दिन से आपके ऊपर पूरी पाबंदी लग जाएगी, ना आप कहीं जा सकते ना कुछ कर सकते। अगले 12 महीने आप इतनी ज़्यादा पाबंदियों में रहोगे कि जिसकी हद ना है, उसके बाद में भी जीवन भर पाबंदियों में ही रहोगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट हर चीज़ जो फौजी होता है वो हर चीज़ की पाबंदी में रहता है। आपके ऊपर पुलिस केस हो गया तो डर, अगर थोड़ा सा भी कहीं झगड़ा हो गया आपका नाम आ गया तो डर, घर वालों से थोड़ा सा पंगा हो गया तो डर। तो ज़िंदगी भर तो डर में निकालनी पड़ेगी। साथ में फौज की नौकरी आपको देती बहुत कुछ है, लेती भी बहुत कुछ है, इस बात को मत भूलिए। तो अभी आपका माना कि रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा एंजॉय रहिए, मस्त रहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आने दो रिजल्ट। क्या हो जाएगा अगर आप रोक के रूठ के बैठोगे तो क्या हो जाएगा, फालतू का टेंशन करोगे क्या हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा क्या उससे? तो इससे अच्छा मोटिवेट रहो कि हाँ, जैसे कमेंट बॉक्स में करते हैं दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आएगा आएगा, सरप्राइज देगी एसएससी या ऐसे, तो मतलब मोटिवेटेड कमेंट ही करें, ताकि उससे आपका भी दिल खुश रहे, दूसरा जो पढ़ेगा उसका भी दिल कुछ होगा। आप खुद रोत लो कि कब आएगा रिजल्ट, आएगा ही नहीं, ऐसे मत करिए दोस्तों। अब मैं बता दूं कि ये परेशानी मैं बोल रहा हूँ ना, जो लग जाएंगे ना उनके जीवन की ये सबसे छोटी परेशानी होगी, इससे बड़ी आगे उसको फौज की नौकरी में बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी दोस्तों। फौज की नौकरी इतनी आसान नौकरी नहीं है, आपको पता है। ट्रेनिंग में हमारे साथ में बता, वैसे तो बताऊँ नहीं तो हमारे खुद मेरी खुद की दादी गुजर गई नहीं आ पाए, सिस्टर की शादी हो गई नहीं आ पाए, तो ये इनके सामने ये प्रॉब्लम कुछ नहीं। आप घर पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हो, जब वहाँ फौज में बैठ के इंतज़ार करोगे ना, घर में शादी होगी सिस्टर की, देखोगे ऐसे वीडियो कॉल पे, कहीं नेटवर्क ही नहीं होगा वीडियो कॉल पे, कहाँ देखोगे? मैंने ना देखी, मैं नेटवर्क में ही नहीं था, बोलो 10 दिन में 12 दिन में 1 दिन बात करने के लिए जाते थे तो कहाँ देखी वीडियो कॉल। वो नेटवर्क की कॉलिंग हो जाती है, हेलो 10 बार हेलो बोलते तो घर वालों को 1 बार हेलो सुनाई देता है तो कहाँ देखोगे। आपको पता है कि फौज की नौकरी बहुत ही कष्टदायी नौकरी होती है, जीवन में जितनी आसान नहीं है जितना आप सोच रखे हो। हर समय नेटवर्क एरिया में रहो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, नेटवर्क एरिया में रहो या नहीं रहो या किधर भी रहो तो मतलब ये परेशानी कुछ भी नहीं है। आप जब ट्रेनिंग में जाओगे, घर में पीछे से बहुत सारे काम होने हैं, परिवार चलना है, कहीं की कुछ परिस्थितियाँ बदलनी है परिवार की, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होनी है, आप नहीं पहुँच पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी मदर हॉस्पिटल में रही है, ऑपरेशन हुआ है, मैं मिलने भी नहीं आ पाया,
तो आप मतलब सोच सकते हो किस लेवल का मतलब परेशानी होती है। आप सोचिए कि उस समय अगर आपकी मतलब आपको फ़ोन आया कि आपकी मदर का ऑपरेशन हो रहा है, आप नहीं जा पा रहे हो, कितना बुरा लग रहा है। जाए कहाँ, क्योंकि आपकी ऐसी जगह कहीं ड्यूटी, आप नहीं निकल पा रहे उस समय। तो वो परेशानी बड़ी है या ये परेशानी बड़ी है, आप बताइए। आपके घर में सिस्टर की शादी है, आप छुट्टी नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आप ऐसी जगह ड्यूटी कर रहे हो, कोई चांस नहीं निकलने का है। घर परिवार में शादी है, मेरे जॉब लगने के बाद मेरे मेरा मतलब परिवार में 8-9 शादी हो गई, एक अटेंड कर पाया हूँ बस। तो मतलब ये तो परेशानियों से जुड़ा, ये तो जो भी ऐसा है कि आपको परेशानियों से जोड़ देता है। तो मतलब इतने अगर आप हताश होकर हिम्मत हार के अगर लड़ाई लड़ रहे हो तो ये तो जीत की तैयारी नहीं है दोस्तों। मोटिवेट रहना, और मैं तो बोल रहा हूँ आप आने वाले एग्जाम की तैयारी करो। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप स्टेट पुलिस में वापस आ सकते। कईयों ने बोला कि सर ट्रेनिंग में से अगर हमारा स्टेट पुलिस में नंबर आ जाए तो क्या करें, आप वापस आ सकते हो स्टेट पुलिस में। हाँ, स्टेट पुलिस, और कईयों ने बोला कि सर इनका मतलब कंपेयर करिए तो इनका वीडियो मैं बनाऊँगा, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ आप सेम पे ग्रेड में भी वापस आ सकते हो। तो अपनी तैयारी रखिए, CPSI की तैयारी करिए, RPSI की तैयारी करिए, अगर किसी ने BEd कर रखी है टीचर की तैयारी करिए, मतलब तैयारी करिए। आप फिर क्यों बैठे हो, जब देगा तब देगा। ट्रेनिंग में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ये वीडियो में मैंने पहले ही बताया। आप ट्रेनिंग में भी अगर आपका अपर पे ग्रेड का कोई एग्ज़ाम है और आपकी तैयारी है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बस पहले 3 महीने तक परेशानी। हाँ, आप ज्वाइनिंग करके जब जाओगे 1 से 1.5 महीना, इस बार आपको लगेगा ग्रुप सेंटरों में 1.5 से 2 महीने भी लग जाता है, उस दौरान भी आप एग्ज़ाम, अगर कोई एग्ज़ाम है तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो आप एग्ज़ामों की तैयारी करो ना दोस्तों। हाँ, अब ये मत बोल देना मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम है, इतनी छुट्टी नहीं मिलती, कम से कम 2 से 4 दिन की छुट्टी मिल जाती है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देके वापस वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो जब इतना कुछ आपको मौका है तो आप उसका करिए ना। आप बैठ के किस लिए ताक में बैठ गए कि रिजल्ट अब आएगा, अब आ जाएगा, जिस दिन आएगा आपके पास में आपको पता चल ही जाएगा। और अगर कमेंट करने तो भी पॉजिटिव कमेंट करो, ताकि आपको करके अच्छा लगे, दूसरे को पढ़ के अच्छा लगे। कमेंट देखे दूसरा भी फिर सड़ा सा कमेंट करेगा, वो भी फिर ऐसे बिल्कुल ज़िंदगी हार के। हाँ, कमेंट करना जैसे वो कर रहे थे कि SSC बेवफा है, वो SSC कहा कि हमारे बच्चे आके हमको बताएं कि आपका रिजल्ट आ गया है, आपका नंबर आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार के कमेंट करो, मस्ती रहो, चिल रहो, क्योंकि जिस दिन लग जाओगे ना, मैं गारंटी, अभी आप बोल रहे हो ना, मेरे को पता 1000 बंदे इस बात कमेंट या बोलेंगे कि सर एक बार लग जाने तो हम देख लेंगे सब कुछ। ना बेटा, जब लग जाओगे ना, ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचोगे ना, उसके बाद बोलोगे कब छुट्टी जाएंगे, ज़िंदगी भर ही ये रहेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा परेशानी वाला समय है, लेकिन फिर भी इतना परेशान मत हो, क्योंकि जीवन में बहुत सारी, अगर आप ये सर्विस कर रहे हो फौज की, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ देखनी है। हमेशा पॉजिटिव बने रहो, ताकि यहाँ पे भी पॉजिटिव बने रहो और आगे जाके जब सर्विस करो वहाँ पे भी पॉजिटिव बने रहो, तो आप भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। जीवन में परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन कठिन आती है, कई लोगों के घरवाली लड़के भग जाती है, कईयों के मतलब माँ बाप के उनकी बीवी के नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो उन समय क्या करोगे भाई, छुट्टी नहीं मिलेगी, क्या करोगे। तो मतलब ये उतनी ज़्यादा परेशानी है नहीं जितनी आप लोगों ने बना ली है। माना इंतज़ार करना थोड़ा सा मुश्किल है, आप 12 महीने हो गए आपको रिजल्ट के, लेकिन 12 महीने आपको फ्री बैठने को तो नहीं बोला है ना, और आप बैठो भी मत, मैं बोल रहा हूँ आप पढ़ते रहो बस। आपको ट्रेनिंग टाइम में भी एग्ज़ाम देने की छूट मिलेगी, कोई ना कोई वैकेंसी आएगी, आप उसका एग्ज़ाम देना दोस्तों। रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, अगर अभी की तैयारी होगी, रिवीजन करने का टाइम मिलता रहेगा, ट्रेनिंग में करते रहना, संडे वनडे GH ऑफ रहता ही है, तो उस समय आप पढ़ सकते हो। तो मतलब आप तैयारी करिए, खाली बैठ के बस ऐसे कमेंट मत करिए और दुखी मत होइए, अच्छे से रहिए, हंसते खेलते रहिए, मस्त रहिए, तो पढ़ते रहिए।